सो हाय गाइस, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है बेस्ट गेमिंग माउस ऑफ 2021। तो बिना किसी देरी करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आती है गेमिंग माउस के बारे में तो एक अच्छा सा ग्रिप एंड ग्रेट परफॉर्मेंस दे विद योर फेवरेट टाइटल्स, मतलब एक ऐसा माउस पाना जो आपके हाथों पे सेट हो एंड एक स्ट्रॉन्ग सेंसर के वजह से आपका जो गेम का फ्लो है वो भी और इम्प्रूव कर दे। यानी ये सब माउस यूज करने से आप अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको। तो पहला है Razer Death Adder Elite। तो इस माउस का सेंसर है Pixart PMW3389, एक्सेलरेशन 50G, इंटरफेस USB, DPI 16000 एंड IPS 450 एंड इग्रोनॉमिक्स राइट हैंडेड क्लॉक एंड पाम ग्रिप एंड प्रोग्रामेबल बटन्स 7। तो इसके जो प्लस पॉइंट है वो है सिंपल कंसिस्टेंट डिजाइन, एक्सेप्शनल सेंसर, इंप्रेसिव ओमरन स्विचेस। एंड इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो है नो वेट कस्टमाइजेशन। तो Razer Death Adder इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस स्पोर्ट माउस एंड इसके जो इकोनॉमिक डिजाइन है वो 2006 से चेंज हुआ है। एंड ये तो मानना होगा इसका सैंड ब्लास्टेड ब्लैक फिनिश जस्ट ऑसम है। जब आप अपना पाम इस प्लकी पॉइंटर के ऊपर रखेंगे तो एक अलग ही फील मिलेगी आपको। एंड ये एक बहुत ही अच्छा माउस है। इसके बाद इसके स्विचेस डिजाइन बाय ओमरन जो इम्प्रेसिव है, विद ए टैक्टाइल नॉच इन द स्विच इटसेल्फ, इट्स अप टू 50 मिलियन क्लिक्स एक्सपेक्टेड बिफोर फेलियर। इसके बाद लॉजिटेक G502 दैट्स। तो इस माउस का सेंसर है लॉजिटेक हीरो 16 की, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 40G, इंटरफेस USB टाइप ए डोंगल और वायर्ड एंड प्रोग्रामेबल बटन्स 11, DPI 16000 एंड IPS ग्रेटर देन 450 एंड इकोनॉमिक्स राइट हैंडेड। एंड इसका जो प्लस पॉइंट है वो है ग्रेट डिजाइन, वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी, वेट लेस देन द ओरिजिनल एंड ऑप्शनल वेट एडजस्टमेंट। एंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एक्सपेंसिव एंड पावर प्ले गेट्स इन द वे ऑफ इट्स वेट एडजस्टमेंट। तो लॉजिटेक G502 एक लाइटर एंड वायरलेस माउस है जो बहुत ही अच्छा है, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। एंड इसका जो एक प्रीमियम फीचर है वो है इसका वेट कस्टमाइजेशन विथ 2 4G1s एंड 4 2G1s जो आपको एक अलग ही फील देगी। तो लॉजिटेक्स के हाई DPS सेटिंग्स एंड पावर एफिशिएंट ऑप्टिकल सेंसर एंड इनफ नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल बटन्स, इनके वजह से ये किसी भी गेमिंग जनरे में फिट बैठती है ये गेमिंग माउस। तो लॉजिटेक G502 लाइट स्पीड माउस वायरलेस भी आता है एंड केबल के साथ भी आता है। एंड आप अगर वायरलेस यूज करना चाहता है तो एक वायरलेस डोंगल लगा लीजिएगा, बट आपको ये यूज करने से इतना स्मूथ पड़ेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये केबल में कनेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको चार्जिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके साथ एक लॉजिटेक जी पावर प्ले वायरलेस चार्जिंग माउस पैड ले सकते हैं, बट इन सब में खर्चा बहुत हो जाएगा। आप किसी और कंपनी का भी माउस पैड यूज कर सकते हैं, लाइक कोरसियर डार्क कोर, RGB प्रो, Asus ROG चक्रम एंड लो प्राइस वेरियंट लाइक कूलर मास्टर MM381। एंड इसके बाद है Razer Death Adder V2 Pro। एंड इसका जो सेंसर है वो है Razer Focus Plus, कनेक्टिविटी USB टाइप ए डोंगल, ब्लूटूथ और वायर्ड एंड प्रोग्रामेबल बटन्स 7 एंड IPS 450, DPI 16000 एंड रिचार्जेबल वाया माइक्रो USB। का जो प्लस पॉइंट है वो है रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी। एंड इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो इसका प्राइस एंड अदर माउस में भी बेटर फॉर पाम ग्रिप्स एंड फॉर स्मॉलर हैंड्स। तो ये भी एक अच्छा बेस्ट वायरलेस गेमिंग माउस है विद 2.4 GHz USB टाइप ए डोंगल एंड Razer के हाइपरसीट टेक्नोलॉजी इसकी गेमिंग को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव करती है। Razer Death Adder V2 Pro एक मोस्ट एडवांस ऑप्टिकल सेंसर यूज करती है इवन ऑफ द हाई DPS सेटिंग एंड डुअल सेंसिटिविटी बटन आपको हेल्प करती है ऑन द फ्लाई एडजस्टमेंट के लिए। एंड इसके बाद है स्टील सीरीज राइवल 3। तो इस माउस का जो सेंसर है वो है स्टील सीरीज ट्रू मूव कोर, DPI 8500, एक्सेलरेशन 35G, IPS 300 एंड इंटरफेस USB एंड कनेक्टिविटी एंड इग्रोनॉमिक्स राइट हैंडेड क्लॉ एंड फिंगरटिप ग्रिप्स एंड प्रोग्रामेबल बटन्स 6। एंड इसका जो प्लस पॉइंट है वो है सॉलिड रॉक परफॉर्मेंस, डिस्टिंक्ट RGB लाइटिंग एंड लो प्राइस। एंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है नॉन ब्रांडेड USB केबल कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। तो स्टील सीरीज राइवल 3 बहुत ही अच्छा गेमिंग माउस है आपके बजट के लिए एंड ये आपको $30 में मिल जाएगा।
एंड इसका जो डीपीआई है वो 8500 है, जो लो है एज कम्पेयर टू अदर माउस लाइक Razer Tethered V2 Pro जिसका DPI है 20,000, बट ये कैजुअल गेमर के लिए ठीक ही है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका DPI सेटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर द लो स्मॉल DPI बटन्स, बट इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। एंड इस माउस का जो 300 IPS स्पीड है वो पॉसिबल हो सकता है स्टील सीरीज के क्विक गेमिंग माउस पैड के वजह से, आपके पास अगर ये माउस पैड होगा तो तभी आप IPS 300 को अचीव कर पाएंगे। एंड इसका और एक नोटिसेबल थिंग है, इसका 6 फुट रबर केबल, आप जब इसको यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगी क्या होता है डिफरेंस एक ब्रांडेड केबल एंड एक नॉर्मल केबल के बीच, बट इसके साथ ही आपको 3 कस्टमाइजेबल RGB जोन एंड एक अच्छा सा ग्रिप आपको मिल जाएगी। एंड इसके बाद है ग्लोरियस मॉडल डी, तो इस माउस का जो सेंसर है वो है पिक्सर TMW3360 एक्सेलरेशन 50G IPS 2050 प्लस इंटरफेस USB एंड इग्नोमी 800 पाम क्लॉक ग्रिप्स और फॉर स्मॉलर हैंड्स एंड प्रोग्रामेबल बटन 6 एंड DPI 12,000। तो इस माउस का जो प्लस पॉइंट है वो है लाइट वेट एंड एक्सेलेंट स्विचेस एंड सेंसर। तो इस माउस का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है सम बटन वेबल एंड नॉट फॉर लेफ्टीज। तो आप अगर एक FPS गेमर हो तो ये लाइट वेट माउस आपको एक्सपीरियंस को और भी एलिवेट कर देगी, एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा माउस है एंड ये एक लाइट वेट माउस है एंड ये आपके हाथ में अच्छे से ग्रिप भी होगा एंड जिनके स्मॉलर हैंड्स है उनके लिए भी ये माउस बहुत ही अच्छा है। एंड आप अगर इसको ठीक से देखोगे तो ये एक हनीकॉम स्टाइल का माउस है एंड आप इस माउस को जब भी पुश या स्लाइड करेंगे तो तब आप इसको प्रीमियमनेस का फील कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी PTFE feel of the mouse। And इसके बाद है Corsair Ironclaw RGB। तो इस माउस का जो सेंसर है वो है Pixart PMW3391 DPI 18,000 IPS 450 Acceleration 50G Interface Wireless Programmable Buttons 5 and Ergonomics Right-handed Palm Grips। तो इसका जो प्लस पॉइंट है वो है insanely comfortable palm grips, impressive price point, intuitive button layout and strong sensor performance। And इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है heavy and not as proficient for claw and fingertip grips। तो Corsair Ironclaw RGB gaming mouse बहुत ही अच्छा माउस है जिनके हाथ छोटे हैं एंड इट इज द थिकेस्ट माउस एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल ग्रिप देगी राइट हैंडेडों के लिए। सो दोस हाई एंड स्पेक्स आर गुड बट अनलेस यू आर ए कॉम्पिटिटिव गेमर यू मे नॉट नोटिस ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट ओवर द राइवल्स अनलेस यू हैव ए मल्टी मॉनिटर गेमिंग सेटअप। एंड इसके बाद है Razer Basilic V2 एंड इसका जो सेंसर है वो Razer Focus Plus DPI 20,000 IPS 650 Acceleration 50G Interface USB and Ergonomics Right-handed and Programmable Buttons 11। एंड इसका जो प्लस पॉइंट है वो Ergonomic Design, Excellent Tracking and Plenty of Customizable Option। एंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो $80 फॉर ए वायर्ड माउस इज हार्ड टू स्वालो। तो Razer Basilic V2 एक बहुत ही अच्छा गेमिंग माउस है एंड इसका भी अपडेटेड सेंसर के जो DPI है वो 20,000 जो बहुत ही अच्छा है, बट एज कम्पेयर टू Razer Tethered V2 Razer Basilic V2 के एडिशनल साइड बटन है बिकॉज इसके प्रोग्रामेबल बटन 11 है एंड इसकी जो व्हील रेजिस्टेंस है वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है एंड ये भी आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप देगा एंड लॉन्ग टर्म कम्फर्ट भी देगी। एंड इसके बाद है Razer Basilic Ultimate एंड इस माउस का जो सेंसर है वो है Razer Focus Plus Optical DPI 20,000 IPS 650 Acceleration 50G Interface USB or 2.4 GHz Wireless and Programmable Buttons 11 and Ergonomics Right-handed Palm and Claw Grips। तो इसका जो प्लस पॉइंट है वो है Incredible Sensor, Long Battery Life and Fast Charging and Intuitive Software Suite। एंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है प्राइसी एंड ऑप्टिकल स्विचेस लैक मैकेनिकल फील। तो Razer Basilic Ultimate बहुत ही अच्छा वायरलेस माउस है जिसमें Razer का लेटेस्ट सेंसर Razer Focus Plus Optical है एंड इस माउस में भी इम्प्रेसिव इकोनॉमिक डिजाइन है एंड Razer Basilic Ultimate इज ए किलर वायरलेस पॉइंटर एंड इस माउस का भी सिमिलरिटीज मिलता है Logitech G502 लाइट स्पीड माउस के साथ एंड इस माउस में भी आप व्हील की जो रेजिस्टेंस है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये थोड़ा सा हल्का है एज कम्पेयर टू Logitech G502 एंड इसका जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद है HK Gaming Mira M। इस गेमिंग माउस का जो सेंसर है वो है Pixart PMW3360 DPI 12,000 IPS 2050 Acceleration 50G Interface USB Type-A and Programmable Button 6 and
इकोनॉमिक्स एम्बिडेक्स्ट्रोस। तो इसका जो प्लस पॉइंट है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड पैराकोट केबल। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है साइड बटन्स आर स्लो एंड माउस एक्सेलरेशन इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। तो एचके मीरा गेमिंग गेम एक बहुत ही अच्छा माउस है एंड ये भी एक हनीकॉम स्टाइल का माउस है एंड ये राइटिस एंड लेफ्टिस दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा माउस है एपीएस गेमर के लिए बिकॉज ये लाइट वेट माउस है एंड क्लिक करने को भी आपको बहुत सुविधा देगी। सो मीरा एम इज नॉट द लाइटेस्ट हनीकॉम माउस, ग्लोरियस मॉडल ओ इज द लाइटेस्ट माउस, बट ग्लोरियस मॉडल ओ माउस भी बहुत ही अच्छा है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है रेजर नागा ट्रिनिटी। इस माउस का जो सेंसर है वो पिक्सल PMW3391 DPI 16000 IPS 450 एक्सेलरेशन 50G इंटरफेस USB इकोनॉमिक्स 800 क्लॉ एंड पाम ग्रिप एंड प्रोग्रामेबल बटन्स 19। एंड इसका जो प्लस पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग सेंसर, हॉट स्वैपेबल बटन कॉम्प्लीमेंट्स एंड इगोनॉमिक डिजाइन। एंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है प्राइसी एंड क्वाइट हेवी। सो इट इज द बेस्ट गेमिंग माउस फॉर MMO गेम्स एंड इसके साथ ही आपको 19 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। तो ये एक स्पेसिफिक वे ऑफ ग्रिपिंग देती है जिसमें ग्रिड ऑफ कीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नागा ट्रिनिटी आपको 3 सेपरेट लेफ्ट हैंड ग्रिप भी देती है। एंड ये एक सिंपल नम पैड है इसमें कोई 12 स्विचेस एंड ए सर्कुलर बटन पैड एंड 7 स्विचेस डॉटेड अराउंड इट एंड विद स्टैंडर्ड 2 बटन एफआर। तो आप इस माउस को खरीद सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा माउस है एंड इसका जो वायरलेस वर्जन रेजर नागा प्रो वो भी एक बहुत ही अच्छा माउस है, तो आप इसको सब यूज कर सकते। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।